हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेम विच यू एंजॉय द मोस्ट, द गेम ऑफ अल्कोहल्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्योर इंडियन देसी सिंगल मॉल्ट। इसको देसी क्यों कहा गया है ये आपको जैसे जैसे रिव्यू चलेगा उसमें आगे पता चल जाएगा कि ये देसी क्यों है। टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज कामेत इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की। क्या वो जादू यहां से भी होगा या नहीं देखते ये हम देखते हैं। We love our whiskies in India and now there is Kamet. ये आती है Piccadilly Agro Limited से। इन्होंने पार्टनर किया था Peak Spirits के साथ, जिससे ये प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने। बिल्कुल, और ये इनकी जो डिस्टिलरी है ये सेटअप हुई है कुरुक्षेत्र में। कुछ टाइम पहले तक इंडिया में सिंगल मॉल्ट के बहुत कम प्लेयर थे। बिल्कुल, जैसे कि पॉल जॉन, अमरूद, यही ज्यादा फेमस होते फेमस यही थे। मगर अब मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि ये इंद्री, ज्ञानचंद, गोदावन। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया के जो सिंगल मॉल्ट हैं वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले इंडियन विस्कीज मोलासेस बेस्ड होती थी, हालांकि अभी भी मोलासेस बेस्ड आती है, उनसे बेटर भी आने लगी है। रणथंभौर का रिव्यू अभी हमने रिसेंटली किया, बहुत अच्छी थी। वुडबर्न्स करी थी, वो बहुत अच्छी थी। और समहाउ अच्छा लगता है कि अब सिंगल मॉल्ट वर्ल्ड में पॉपुलर हो रही है। इंद्री ने मल्टीपल अवार्ड्स जीते हैं, बिल्कुल, अमृत ने जीते हैं, पॉल जॉन ने जीते हैं, तो जीतती आ रही है। ये भी एक हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ हम ये प्रोडक्ट लाए हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट की एक और खास बात है, इसमें जो बार्ले यूज हुआ है, इट इज अ 6 row बार्ले फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन। सबको पता है कामेत कहाँ पे लोकेटेड है, ऑब्वियसली हिमालयाज में, और वहीं का 6 row बार्ले इसमें यूज हुआ है, विच इज अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ बार्ले दैट हैज बीन यूज्ड। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि इसमें इसको 3 तरह के कास्क में एज कराया गया। एक हो गया आपका एक्स बर्बन अमेरिकन ओक कास्क, एक हो गया आपका एक्स फ्रेंच वाइन कास्क, और हो गया एक्स शेरी कास्क। तो 3 तरह के कास्क में इसको एज भी कराया गया है, तो ये इसको और ज्यादा खास बनाता है। तो बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं इसकी पोरिंग पर। पोरिंग नहीं, बॉक्स ओवरव्यू पहले भाई। ओ हाँ, पहले बॉक्स ओवरव्यू, बॉटल ओवरव्यू, फिर पोरिंग पर। और जो हम इनके मास्टर ब्लेंडर की बात कर रहे थे उसके बारे में भी एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे आफ्टर बॉक्स ओवरव्यू पोरिंग के टाइम। बॉक्स ओवरव्यू की अगर हम बात करें, लव्ड द मैट ग्रीन डिजाइन। ये जो मैट कलर है बहुत अच्छा लग रहा है, एंड दिस बॉटल इज वेरी इंडियनाइज्ड। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारी पैकेजिंग ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं यूरोपियन डिजाइन से इंस्पायर्ड होती हैं, या टुवर्ड्स जापानीज या अमेरिकन विस्कीज। इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, जो आप वर्क देख रहे हैं बॉक्स के ऊपर, इट इंश्योर्स यू, दूर से ही देखकर पता चल रहा है दैट दिस इज अ इंडियन प्रोडक्ट, अ प्राउडली मेड इंडियन प्रोडक्ट। बॉक्स क्वालिटी आई वुड से 10/10। एंड इसका जो नाम आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख सकेंगे, many of the foreigners would pronounce it as Kamet. It is not Kamet, it is Kamet. Hindi में भी लिखा हुआ है Kamet. This is inspired by the name of third highest peak in the Himalayan range, जिसका नाम है Kamet, जिसकी वजह से आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एक mountain भी बना है, and then there is a sun. और उसी area में famous है this parrot. This parrot is a proud reason. In that particular region, it is where the people are very proud of parrot. वहाँ पे मिलते भी हैं, they were used as communicator and also superstitiously भी इनकी उस particular area में काफी importance है। अब चलते हैं bottle overview पे और देखते हैं क्या खास है इसके bottle design में। Bottle overview की अगर हम बात करें, I love the bottle design. नीचे से it is slim and the moment it goes up, it gets a bit broad, like a V shape. Gym lovers को पता होगा ये। The bottle design is actually very basic but elegant. I love the label quality. Label quality is top notch. अगर आप ऊपर wrapper देखते हैं around the cork, it is in matte color. तो सारे colors इसके matte हैं. Brilliantly finished labels I would say. और एक चीज और, इसका अगर हम price की बात करें, that is 3,000 rupees in Gurgaon and the ABV is 42.8%. And this is a 750 ml bottle. अब चलते हैं pouring पर और देखते हैं जितनी इसकी अच्छी आई वुड से बॉक्स डिजाइन था, बॉक्स क्वालिटी थी, एंड इवन द बॉटल डिजाइन एंड लेबल क्वालिटी, क्या उस तरह का सिंगल मॉल्ट का जो एक्सपीरियंस है वो ये डिलीवर कर पाती है या नहीं। तो अब चलते हैं सीधा पोरिंग पर और देखते हैं क्या खास है इसमें। अब चलते हैं पोरिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या मैं ही शुरू करूं फिर? नहीं, मैं पहले आप कह लो।
इसके जो मास्टर ब्लेंडर है सुरेंद्र कुमार, पहले वो अमृत के साथ काम करते थे। तो अच्छा, फाइनली वो इस कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं तो उम्मीदें भी थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने कम डाल दिया। अच्छा, इसके साथ सिर्फ सुरेंद्र कुमार ही नहीं जुड़े, नैन्सी फ्रेले भी जुड़ चुकी हैं। नैन्सी फ्रेले ने मिलकर और सुरेंद्र कुमार जी ने मिलकर ये प्रोडक्ट को, ये इंडियन सिंगल मॉल्ट रेडी करी है, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल 100% ने जो ऊंचाइयां छूई हैं उन्हीं में से एक आई वुड से एक अमेजिंग रिसोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन का इस ऑर्गेनाइजेशन में है, विच इज अ पार्ट ऑफ स्विच। हम भी स्विच करते रहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन दी अपॉर्चुनिटीज। तो क्या वो जादू जो उन्होंने वहां क्रिएट किया, क्या वो जादू यहाँ क्रिएट होगा या नहीं होगा, देखते हैं, ये हम देखते हैं। अब चलते हैं पहले इसकी नोजिंग पर, उसके बाद देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा शुरू होता है। पहली चीज जो मुझे फील हो रही है दैट इज फ्रूटीनेस। फ्रूटीनेस बहुत एविडेंट है, फ्रूटीनेस फील हो रही है नोज पे। सेकंड नोट जो बहुत एविडेंट है उससे उभर के आ रहा है वो है वुडीनेस। वनीला का एसेंस प्रॉपरली नोज पे फील हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में बर्न्ट कैरमल मुझे नोज पे फील हो रहा है। तो ये जो एक चीज इसमें अच्छी है, पता है इसमें नोट्स इतने इजी हैं पहचानने कि जो बंदा एक एक्सपर्ट नहीं है और ध्यान से इसको, मतलब जो मैंने बताया है, मान लो आपने ये वीडियो देखी, वो फील कर सकता है। आप आंखें बंद करके हमारी बात सुन के अगर इसे फील करोगे तो ये क्लियरली पता चल जाएगा, एक सेम फील आएगा। हाँ, मतलब आप भी अनाड़ी से खिलाड़ी एक नोजिंग से बन सकते हैं। अब इसके कलर और टेस्टिंग के लिए चलेंगे फादर साहब के पास और देखेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है। बॉडी तो इसकी मीडियम लग रही है, बल्कि ऑन द लाइटर साइड। कलर की बात करें तो लाइट एम्बर, हाँ कलर लाइट एम्बर और सबसे अच्छी एक खासियत सबसे अच्छी कि इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है, जो कि शुक्र है, मतलब हमें ना आर्टिफिशियल कलर मिला है। इनफैक्ट बहुत खुश हूँ मैं। फ्लेवर तो नहीं होता सिंगल मॉल्ट में, कलर भी नहीं है। देखते हैं टेस्ट कैसा है। बिल्कुल टेस्ट चेक करते हैं। स्टार्ट होती है स्वीटनेस से और फ्रूटीनेस भी है। अच्छा, ग्रेजुअली थोड़ी सी स्पाइसीनेस फील हो रही है। एक ही सिप में मतलब ऐसी वेरिएशन फील, वेरिएशंस है। अच्छा ठीक है, बाकी देखते हैं। ये तो टेस्ट में काफी अच्छी लग रही है। तो इस वीडियो के लिए, फादर साहब के लिए, हमारे लिए और कामित के लिए एक लाइक तो बनता है। स्वीटनेस जो है उसमें डार्क चॉकलेट का है, जो फ्रूटीनेस फील हो रही है मेरे को डार्क बेरीज की है। अच्छा, मतलब इतने अच्छे फ्लेवर्स, मतलब सुनने में ही लग रहा है कि कितने अच्छे फ्लेवर्स होंगे। तभी तो मैंने कहा कि देसी देसी है ये। हाँ सही बात है, क्योंकि मिठास है, फ्रूटीनेस है, लेकिन स्पाइसीनेस आ रही है और इंडिया जाना जाता है स्पाइसी स्पाइसेस के लिए। तीसरा सिप हो रहा है, ये बहानेबाजी है या सच में कुछ भी क्या है यार, जो अच्छी चीज है एक सिप में नहीं क्लियर होती, दो में नहीं होती, तो तीसरे में जाके होती है। झूठ बोल रहा है। अब मैं दो चीजें बता चुका हूँ, तीसरा है स्पाइसीनेस किस चीज की है, किस चीज की स्पाइसीनेस है इसमें, सिनेमन और ब्लैक पेपर की। क्या बात है, काली मिर्च। मतलब प्रोफाइल काफी अच्छी है, कॉम्प्लेक्स हो गई है, वेरिएशन काफी है, थोड़ी माउथ लिंगरिंग भी है। अच्छा टेस्ट मुंह में रह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मजेदार है। अरे मस्त, एकदम कड़क माल है। और नीट कोई भी पी सकता है। बिल्कुल, हम तो बार बार कहते हैं कोई भी अच्छी विस्की स्कॉच ले लो आप, सिंगल मॉल्ट ले लो, उसको नीट टेस्ट जरूर करो। तो ये जो हम प्रोफाइल बताते हैं इसमें टेस्ट की, तभी पता, तो वो तभी पता चलेगी। और अगर इसकी हम बात करें, क्या कहते हैं अपना, कि फीमेल फ्रेंडली है ये सिंगल मॉल्ट, बिल्कुल इजीली पी जाए, बहुत इजीली, इतनी स्पाइसीनेस नहीं है कि, बिल्कुल स्पाइसीनेस हल्की टेस्टी है, मतलब ऑफ पुटिंग नहीं है, वो वाली स्पाइसीनेस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसे क्या रेटिंग देना चाहेंगे, पर उससे पहले बताओ एक्सपीरियंस कैसा था आपका। एक्सपीरियंस में मैं कहूँ तो ये सिंगल मॉल्ट बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसमें फ्लेवर्स काफी हैं। हाँ, प्राइस के हिसाब से देखा, प्राइस के हिसाब से फ्लेवर्स बहुत आ रहे हैं। और एक चीज कहूंगा इसमें, जो स्पेसाइड लवर्स है ना उनके लिए थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि स्पाइसीनेस के थोड़े ज्यादा एसेंस फील हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम रेटिंग की बात करें, हम कंसिडरिंग 3000 की सिंगल मॉल्ट है जो हमने गुड़गांव से लिया है, और गोवा में भी इसका प्राइस राउंड अबाउट यही है,
ठीक है, ग्रेजुअली अब दिल्ली में भी मिल जाती है, और भी जगह मिल जाती है, तो इस प्राइस के हिसाब से विस्की आपको क्या प्राइस रेंज, मतलब आई मीन क्या रेटिंग लगती है? रेटिंग मैं इसको 9 दूंगा, 9 points, बिल्कुल। मतलब जब से हमने चैनल शुरू किया अब दोबारा 3 महीने 3.5 महीने में, ये पहली आई थिंक विस्की है जिसने 9 टच किया, हाईएस्ट आई थिंक 8.6 या 7 तक ही गई, वो भी आई थिंक रॉयल रणथंबोर गई थी और पीछे एक और बजट विस्की की थी जिसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आई थी, याद नहीं आ रही, बट इस सीजन की जब से हमने अमृत फ्यूजन की भी बहुत अच्छी लगी, अमृत फ्यूजन भी अच्छी थी, तो यानी कि सुरेंद्र कुमार और हमारी जो नैन्सी है जिन्होंने ये ब्लेंड तैयार किया, ब्लेंड तो ये नहीं है, सिंगल मॉल्ट, सॉरी सिंगल मॉल्ट करी है, उसके लिए आप फुल मार्क्स देंगे, बिल्कुल फुल ही हो गए 9, मतलब बहुत अच्छी रेटिंग होगी, बहुत अच्छी रेटिंग। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि अगर हमें ये सिंगल मॉल्ट इतनी पसंद आई है, क्या आपको पसंद है उसको आप कॉमेंट करके बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगता है जब इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोब पे अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, जैसे इंद्री, और वो दिन भी दूर नहीं हो सकते ये भी किसी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो जाए, बिल्कुल, और गोदावन, ज्ञानचंद, इन सबके रिव्यू धीरे धीरे हम लेकर आएंगे, हमारी नेक्स्ट जो लिस्ट पे वो तो इंद्री रहेगी, लेकिन वो जब मिलेगी तब, इंद्री की रिक्वेस्ट भी काफी आई है तो हम प्रेफरेंस इंद्री को ही देंगे, जब भी मिलेगी, जब भी करेंगे, मतलब सिंगल मॉल्ट में अब जब भी रिव्यू होगा तो इंद्री का, हाँ 90% हम इंद्री ही ट्राई करेंगे, या ज्ञानचंद या गोदावन, अगर वैसे तो हम इंद्री ही ढूंढेंगे, नहीं मिली तो ज्ञानचंद और गोदावन में से आप कौन सा देखना चाहते हो उसका कॉमेंट कर दो, कि ज्ञानचंद या गोदावन, और इस वीडियो को स्प्रेड करें, स्प्रेड द लव, क्योंकि ये एक इंडियन सिंगल मॉल्ट है, लोगों को अवेयर कराओ कि भैया ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिवेट, इन सब के अलावा 3000 में अगर आपको अपने देश की अच्छा प्रोडक्ट सिंगल मॉल्ट मिल रहा है तो एक बार ये भी तो प्रेफरेंस इसको दे, इसको ट्राई करें, बहुत टेस्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड रिमेम्बर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास बट द क्लास, पीना भी एक कला है, टिल देन चीयर्स। We'll be right back.